वेलकम टू कृषि एग्जाम। कृषि एग्जाम अभी चल रहे खरीफ फील्ड क्रॉप पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर जीके क्वेश्चन सीरीज बाय सीरीज में पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, और ये 20वीं सीरीज है। इससे पहले मैं और भी सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देखिए ताकि आपका एग्रीकल्चर जीके अच्छे से रिवाइज हो सके। इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड नट इज आल्सो नाउन एज। तो ग्राउंड नट इज आल्सो नाउन एज पी नट, मिल नट, अर्थ नट, ऑल ऑफ दिस। तो ग्राउंड नट को क्या बोलते हैं? पी नट भी बोलते हैं, मनील नट भी बोलते हैं, अर्थ नट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। आप दोस्तों आपको बताते हैं ग्राउंड नट आल्सो कॉल्ड इज अर्थ नट, मनील नट, पी नट। बॉटनिकल नेम है इसका अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली है लेगुमिनेसी और नेटिव प्लेस इसका देखा जाए तो ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। चंद्रा कंदारी टू, ज्योति एल, जगन जगृद सेकेंड, ईटीसी वेराइटी। तो जो वेराइटी है वो क्या किसकी है? टू। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है टू, ग्राउंड नेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए कैश क्रॉप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी, इसमें से राइस, ग्राउंड नट, व्हीट, ग्राम। तो कैश क्रॉप है ग्राउंड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। वाइट गर्ब इंसेक्ट रिलेटेड द क्रॉप। तो वाइट गर्ब एक इंसेक्ट है, कौन सी फसल से संबंधित है? व्हीट, राइस, ग्राउंड नट, ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है थ्री, ग्राउंड नट से संबंधित है वाइट गर्ब इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट का जो नेटिव प्लेस था मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्राजील। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है वन, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर सीड रेट ऑफ स्प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट का जो सीड रेट होता है प्रति हेक्टेयर वो कितना? 95 से 98 के जी प्रति हेक्टेयर, 75 से 80 के जी प्रति हेक्टेयर, 65 से 70 के जी प्रति हेक्टेयर, 55 से 60 के जी प्रति हेक्टेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है थ्री, 65 से 70 के जी सीड रेट की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अप्रोप्रिएट फॉर सीड रेट ऑफ स्प्रिंटिंग टाइप्स ऑफ ग्राउंड नट। तो 65 से 70 के जी सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्राउंड नट। तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज ए सूटेबल फॉर ग्राउंड नट। तो सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्राउंड नट के लिए क्या है? लैमी सॉइल, क्ले, सेल्ट, सैंडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में ग्राउंड नट सूटेबल है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर है फोर, सैंडी सॉइल। आपको बता दें दोस्तों, सॉइल फॉर ग्राउंड नट, ग्राउंड नट थ्रिव्स बेस्ट इन द विल डिस्टिंक्ट सैंडी सॉइल के लिए बहुत ही यूजफुल सॉइल है ग्राउंड नट की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। ग्राउंड नट पैक्स वेन डेवलप्ड इन द सॉइल फ्रॉम। तो ग्राउंड नट के जो पैक्स बनते हैं वेन वी डेवलप्ड इन फ्रॉम सॉइल फ्रॉम, तो रूट्स, स्टेम्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स। तो ग्राउंड नट में जो पैक्स वेन डेवलप्ड इन द सॉइल फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है वन, रूट्स से, रूट से पैक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। पी के 262 इज ए वेराइटी। तो पी के 262 इज ए वेराइटी है, और ग्रीन ग्राम की, सनफ्लावर की, सोयाबीन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी के 262 एक वेराइटी है, किसकी है? क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर है फोर, सोयाबीन की, सोयाबीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। ब्रिग्स गौरव ईटीसी वेराइटी रिलेटेड टू। तो किसकी वेराइटी है? ब्रिग्स गौरव इट इज़ वेराइटी ऑफ रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर है टू, सोयाबीन की, सोयाबीन की वेराइटी है। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जी के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।